दिल्ली में प्रदूषण रूपी दैत्य फिर से हमलावर। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। दिल्ली में आज लगातार तीसरे दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से भी ऊपर रहेगा, यानी फिर से दिल्ली वालों की सांसों पर प्रदूषण का पहरा बैठेगा। हवा के रुख और स्पीड में बदलाव के कारण ये तब्दीली देखने को मिली है। यही वजह है कि राजधानी में तापमान भी आज से कुछ बढ़ जाएगा और सर्दी से राहत मिलेगी। इसके बावजूद पॉल्यूशन आपको मॉर्निंग वॉक के लिए घर से बाहर नहीं निकलने देगा। पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान और वेस्ट उत्तर प्रदेश में भी तापमान कुछ बढ़ेगा, लेकिन आज भी शीतलहर इन भागों में जारी रहेगी। लुधियाना, अंबाला, हिसार, यमुनानगर, चूरू, नारनौल, भीलवाड़ा, आगरा और आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंडक के साथ कहीं कहीं पर मध्यम से घना कोहरा भी छा सकता है, लेकिन पाला पड़ने का डर आज से नहीं है क्योंकि तापमान ऊपर जा रहा है। ईस्ट इंडिया का अगर रुख करें तो यहां उत्तर से ठंडी हवाएं आज मौसम को प्रभावित करेंगी, जिससे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों में सुबह के तापमान में कुछ और गिरावट देखने को मिलेगी। गया और राजगीर जैसे कुछ इलाके शीतलहर की चपेट में आ सकते हैं। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के शहरों में सामान्य सर्दी जारी रहने के आसार हैं। हालांकि ग्वालियर, अमरेली और नलिया सहित आसपास के कुछ शहरों में तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है। देश का मिनी मॉनसून जल्द ही अलविदा कहने वाला है। जाने से पहले यह सक्रिय हुआ है और तमिलनाडु तथा केरल के कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है। तमिलनाडु पर बनी ट्रफ के कारण इन दोनों राज्यों में आज भी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून एक्टिव रहेगा और बारिश जारी रहेगी। इसके अलावा बेंगलुरु सहित साउथ कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने के आसार है। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।